पंजाब दे विच होले महल्ले दी शुरुआत हो चुकी है। अज तो लैके 8 मार्च तक 6 दिन चलन वाले खालसा पंथ दे कौमी त्यौहार होले महल्ले दी आरंभता रात 12 बजे नगारियां दी चोट ते जयकारियां दी गूंज नाल पुरातन रवायतां अनुसार किला आनंदगढ़ साहिब च पुरातन नगाड़ा वजा के कीती गई। इस मौके किला आनंदगढ़ साहिब च रात दे दीवान सजाए गए, जिस विच गुरु घर दे कीर्तनियां दे वल्लों संगतां नूं गुरबाणी कीर्तन राही निहाल कीता गया। होला महला दे रस्मी आगाज मौके तख्त श्री केसगढ़ साहिब जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी रघबीर सिंह अते श्रोमणी कमेटी प्रधान ने जिथे समुचियां संगतां नूं वधाईयां दित्तियां, उथे संगतां नूं श्री आनंदपुर साहिब दी धरती ते होला महला मनाउण लई हुमा के पहुंचण दी अपील भी कीती। खालसा जी का कौमी त्यौहार, खालसे की आन शान का प्रतीक, चढ़ती कला का प्रतीक, होले महल्ले की आरंभता जिला आनंदगढ़ साहिब जी तो अज नगारियां ते चोटां ला के गुरम समागम तो बाद हो चुकी है, जो कि सदियों तो ही एक रवायत चली आती है कि होले महल्ले की आरंभता नगारियां ते चोटां ला के की जाती है और अज भी की गई है। इस होले महल्ले की आरंभता की है, बहुत भारी उत्साह संगतों में वेखन को मिलया। मैं सतगुरों के चरणों में यही अरदास बेनती करदा कि ये जिन्हें भी समागम सारे कल सवेरे कीरतपुर साहब के खंड पाठ साहब आरंभ हो गए, जो 3, 4 ते 5 तरीक कीरतपुर साहब खंड पाठ हो गए, 6, 7 ते 8 तरीक मार्च में वो तख्त श्री केसगढ़ साहब विखे ये खंड पाठ साहब चलन गए। इस दरम्यान 8 तरीक महला निकलेगा, जिस दिन निहंग सिंह फौजा समुचियां संगतं बहुत जाहो जलाल के नाल ये शहर की परिक्रमा करके चरण गंगा स्टेडियम विखे जाके जिथे घोड़सवारी, निजेबाजी, तलवारबाजी वो जोड़े जोर दिखाए जाएंगे।